जो है छोटी दिवाली है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो सुबह से सफाई वगैरह हो रही थी, लोगों सफाई करती है। अभी बीच में संतराम है, अपना गेस्ट हाउस होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको दिवाली के लिए लाइटें नहीं खरीदनी पड़ती, और ये जो है गेस्ट हाउस से लाइट लेके आएगा, लाइट डिपार्टमेंट से एंड गेस्ट हाउस वाले संतराम। तो ये जो है लाइटें वगैरह बिछाएंगे अभी। तो अभी जो है लाइट वगैरह डल गई है, संतराम वापस जा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस वाला जो काम हो रहा है वो भी एक कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, वो अपना देखा होगा। कितने पटकल है? 150 कल भले राम हमारी 5 रुपया गया हमारी आईना है भाई। जो है हमारे बचपन के दोस्त हैं, जब पिछली बार होली के बाद आए थे तब इन्हें गांव वाले गांव में घुसने नहीं दे रहे थे कोरोना की वजह से, क्योंकि दिल्ली से आए थे। अभी दिवाली में वापस आए तब इनका साथ उतना दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, पिछली बार जो है गांव वाले ने दूर भगा रहे थे अपने पास से। मौत कैसा फील हो रहा है इस बार आने पर, बोलो कुछ। अभी जो है टाइम कुछ 4 बजे के आसपास हो रहा है, हम और किशन जा रहे हैं अल्लाहगंज, थोड़ा दिए और कैंडल थोड़ा आतिशबाजी वगैरह लेके आते हैं, देवी जी की फ़ोटो जो मूर्ति होती लक्ष्मी गणेश की वो लेके आ रहे हैं, और सामान तो है घर पे सब। तो अभी जो है हम यहाँ पे अल्लाहगंज मार्केट में ही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और धनतेरस और उसकी खरीदारी वगैरह चल रही है, छोटी दिवाली है तो मार्केट में भीड़ में काफ़ी ज़्यादा है। साथ में जो अखिलेश भाई है, आप मैंने बीएचयू वाला ब्लॉग देखा था, या बनारस से आज सुबह ही पहुँचे हैं, आँखें बता रही हैं, आँखों में नींद भरी है अभी काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों ने आतिशबाजी वगैरह ले ली है, लगभग 2000 रुपये की हुई जाके, 2000 से कुछ कम है। कितने मोहन बने होगा। तो अभी जो है टाइम कुछ हो गया है, कितना हो गया, 7:45 के आसपास हो गया, हम लोग वह निकल रहे, काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा भी है, घर पे पापा से फ़ोन आ चुका है, निकल रहे, सामान वगैरह हो गया सब कुछ, झाड़ू वाड़ू है। बस ज्वेलर साहब लाइटिंग में बढ़िया लग रहा, ये देखिए सामने वाले जो लाइट थी वो नहीं चल रही है और सारे जल गई हैं। तो अभी जो है टाइम कुल लगभग 7 बजे के आसपास है, हम लोग घर पे आ गए हैं, लाइट वगैरह भी ऑन हो गई है, ऊपर वाली देखिए आप लोग, ये जो लाइट वगैरह भी ऑन हो गई, बस एक झालर थी वो नहीं ऑन हुई जो यहाँ पे थी, ये वाली नहीं ऑन हो पाई और सारी जल गई। मोहल्ले में बच्चे वगैरह पटाखे जला रहे हैं, खास बात यह कि चेन्नई में लोग हम लोग हुआ करते थे तो वहाँ पे आज ही के दिन मेन आतिशबाजी होती थी, क्योंकि जो चेन्नई के लोकल है वो आज ही आतिशबाजी करते थे, वहाँ पे लैट्रिन वगैरह नहीं होती, दिए नहीं जलाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस होते थे वो कल के दिन ही आतिशबाजी करते थे। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था चाइल्ड हुड इन 100 सेकंड करके, उसमें एक बच्चा था कृष्णा, ये इसकी नानी का घर है चिलौवा में, अभी देखो इसके बाल भी आ गए हैं, तभी टकला था उसमें, क्यों टकले थे,
अभी इसके बाल आ गए। और भाई क्या हाल चाल? सर हमारे बेचारे पिछली बार बोला था, क्या नाम बताया था? मेरा नाम है कृष्णा। दिखाया ना वीडियो क्या ऐसी आ रही क्यों? तो आप लोगों ने जो है कुछ दो तीन दिन पहले जो ब्लॉग मैंने डाला था उसमें तिवारी जी थे जो अजूर वाले, उनके साथ वो थे बंटू दादा। उनको आपने कई और बार भी देखा होगा दिवाली वाले ब्लॉग में, होली वाले ब्लॉग में। तो आज जो धनतेरस के शुभ अवसर पर बंटू दादा नई गाड़ी लेके आए, सेंट्रो गाड़ी है। तो बंटू दादा को इसके लिए बहुत सारी बधाई। धन्यवाद भैया। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया, नई गाड़ी लेके आए हैं, अच्छे फील हो रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ना भी लगा हो तो इंतजार करिए, कल एक शानदार वीडियो आएगा दिवाली वाला। तब तक जो है चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे दिवाली वाले ब्लॉग के साथ।